इन माई ओपिनियन मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं भी घर पे था, कभी कभी आलस हो गया, नहीं उठे, लेट उठे, लेट उठे फिर क्या, दो माला करके चले गए ऑफिस. तो ना खूब धुलाई होती थी, मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द अफेयर्स ऑल अराउंड. सो बट जिस दिन मैं जल्दी उठ गया, मेरी 12-13-14 माला भी, जिस दिन 16 हो गई, वाव, और मक्खन मलाई की तरह दिन बीतता था, काम भी हो जाते थे और चीज़ें, और लाइफ वॉज वेरी एफिशिएंट, डे वॉज वेरी एफिशिएंट. और जिससे बात कर रहा हूँ वो बंदा कन्विंस भी हो रहा है, और जो चीज़ वेट कर रहा हूँ, जिसकी वेट कर रहा हूँ वो सामने आ भी गई. तो चाहे गाड़ी हो, व्हीकल हो, या फिर कोई भी हो, तो ना लाइफ बिकम्स वेरी सिल्की स्मूथ मॉर्निंग प्रोग्राम की वजह से. जिस दिन उसमें लेजीनेस दिखा दी कि चलो थोड़ा आधा घंटा, चलो थोड़ा आधा घंटा, करते करते क्या हुआ, ओहो ऑफिस जाने का समय हो गया, दो माला करके निकल गए, फिर तो जी थोड़ी दिक्कत जाएगा. और जिस दिन कोई माला नहीं की, उस दिन तो मतलब फुटबॉल बनेंगे, फीफा कप खेला जाएगा हमारे साथ. तो इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट. हफ्ते में दो दिन जो है आई वुड गो टू टेम्पल. थर्सडे क्लासेस हुआ करती थी हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी की, ऑन नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ईस्ट ऑफ कैलाश. तो ऑफिस से मैं सीधे थर्सडे को जाया करता था, मंदिर जाया करता था क्लास सुनने के लिए. संडे को वील हैव मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती. संडे को 4 बजे मैं घर से निकलूंगा, 4:30 बजे मंदिर पहुंचूंगा. आई वुड बी फिक्स एन ऑटो वाला कि भाई कल सुबह पहुंच जाएगी यहाँ पर 4:45 बजे, मुझे जाना है ईस्ट ऑफ कैलाश, को 100 रुपये दूंगा. उस वक्त 100 रुपये ज़्यादा वो काफ़ी हुआ करते थे, एक्स्ट्रा पैसा. सो ये क्या करता था मैं, तो फिर वो आएगा था साहब वेट कर रहा हूँ मैं आपका, वो तो खुद फ़ोन करके मेरे को बुलाता फिर वो. सो फिर मैं बोर्ड करूँगा ऑटो, फिर ईस्ट ऑफ कैलाश जाऊँगा. सर्दी के दिनों में मैं अपने आप को ढक ढुक करके जाया करता था, बट आई वुड गो फॉर मंगल आरती वंस इन अ वीक. सो दैट इज़ अ वे नॉट टू फील वीक, दैट ऑन द वीकेंड ऑल वीकनेसेस कम टू एन एंड बाई गोइंग फॉर मंगल आरती, चैंटिंग हरे कृष्णा विद डिवोटीज, अटेंडिंग भागवतम क्लास, हैविंग प्रसादम विद देम, फिर थोड़ा प्रीचिंग वगैरह करके देन आई कम बैक. तो हफ्ते में दो दिन जो है मैं मंदिर जाया करता था, बाकी दिन आई एम विद माई फैमिली, अपनी माई मदर की, पेरेंट्स की हेल्प भी करूँगा, मार्केट भी जाऊँगा उनके साथ, हंसना खेलना बोलना वो सब भी करेंगे. लेकिन हफ्ते में दो दिन जो है इस तरह से फिक्स ही होते हैं. एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज़ वेरी वेरी वाइटल फॉर स्पिरिचुअल लाइफ. तो उसके लेकिन चैलेंज रहता था रात को टाइम से सोना, वो चैलेंज रहा करता था. तो उसमें जो है देयर वाज़ सम लिटिल बिट स्ट्रगल, बट येस आई वुड ट्राई टू गेट अप एज मच एज पॉसिबल अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन चैंट माई राउंड्स. दैट वॉज वेरी एंड दैट वॉज इट. एंड देन वाइल ट्रैवलिंग रीडिंग, तो मेरा 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, तो 3 घंटा में मेरी रीडिंग हो जाएगी. नॉट 3 घंटा, 2 घंटा, मैं 1 घंटा थोड़ा पावर नैप भी लिया करता था. सो वो और थोड़ा चिट चैट दोस्तों के वहाँ जो कैब में दोस्त थे मेरे, तो इस तरह से रीडिंग भी हुआ करती थी रेगुलरली, बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग आई वुड रीड और हैव MP3 प्लेयर एंड लिसन टू सम लेक्चर. सो ये मैं क्या करता, इन दिस वे आई मैनेज माई स्पिरिचुअल लाइफ इवन वाइल बींग अ कॉर्पोरेट पर्सन. सो पॉसिबल है और पॉसिबल कब हो पाता है, जब किसी को लेकर वाकई में शिद्दत होती है ना, तो फिर भगवान आइडियाज़ देते हैं कैसे करना है उसको. लाइक वैलेंटाइन डे के दिन ना लोग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, कहते यार आज मेरे को 5 बजे ऑफिस से निकलना ही है, भले ही लंच टिप करूँगा, तर 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 करूँगा, लेकिन मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलना है. तो जिसकी अगर गर्लफ्रेंड प्रियोरिटी है ना, वो टाइम निकालेगा ही उसके लिए, ये इनके इन प्रकार निकालेगा. उस तरह से अगर स्पिरिचुअल लाइफ मेरी भक्ति का प्रियोरिटी है, तो समय उसके लिए निकलेगा. बंदा दिमाग लगाया कब यार पैरल प्रोसेसिंग कहाँ हो सकती है, ट्रैवलिंग इज़ अ गुड टाइम यार. अपनी गाड़ी से नहीं जाऊँगा, आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूँगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग की चिंता नहीं है, मस्त अपना पढ़ो लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा 15 मिनट पहले निकलना है बस. हाँ दिस गुड. तो ये सब जुगाड़बंदी जो है बंदा सोचेगा अगर उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में. इसका इंटरेस्ट नहीं कहता जी कहाँ करे जी, अब समय बीत जाता है जी, कहाँ भक्तियाँ होनी हमसे, हम बिजी हैं जी संसार में. तो ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं है. अगर कोई वाकई में सोचे कर सकते हैं, हम देखना पड़े कहाँ कहाँ कैसे कहाँ फिट करना है. इट इज जस्ट अ जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन इंटरेस्ट हैज टू बी देयर. सो कृष्णा हेल्प्स, बिकॉज कृष्णा सिंह गीता ददामि बुद्धि योगम तब, सो ही गिव्स इंटेलिजेंस, सो कृष्णा विल गिव.